सोनीपत से खबर है जहां एक बार फिर कुल्हाड़ी गैंग का आतंक देखने को मिला है। बताएं कि जीटी रोड पर कुंडली टीडीआई गेट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर लूट का प्रयास किया गया है, जहां पर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के पीछे दौड़े हैं। बता दें कि बाइक सवार बदमाश कुल्हाड़ी और हथियार के बल पर पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हैं। साथ ही सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश सेल्समैन पर पिस्टल तानते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बदमाश कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़ता है। स्थानीय लोगों और कारिंदे के विरोध के चलते बदमाश लूट में कामयाब नहीं हो सके। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर कुल्हाड़ी गैंग अपराधी फरार हो जाते हैं। बता दें कि पेट्रोल पंप पर लूट की ये चौथी वारदात सामने आई है। साथ ही पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दो लड़के आए बाइक पे, ब्लैक कपड़े पे, पल्सर गाड़ी थी। आते ही सेल्समैन का कुल्हाड़ी मारी है, दूसरे ने पिस्तौल लड़ा दी। तो इतने में हम भाग के सारे, अल्लाह करे आप पकड़ो पकड़ो, के भाग लिए। तो क्या पहले भी कहीं लूट की? उन्होंने कई पंपों पे कर चुके हैं, कैसे लूटते हैं, लेकिन सब स्टाफ गया हुआ है, सब अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, लड़के काम करने को तैयार नहीं है। इतने में वो भाग के आए, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी थी, कट्टा लगा दिया था, सब लोग भाग के आए, पूरा स्टाफ उसने एक फारगी और भाग गया। किस चीज पे थे वो? बाइक थे, पल्सर थी उनकी, ब्लैक कलर की कपड़ा पहन रखे थे, हेलमेट वगैरह लगाए थे। उनके हाथ में क्या क्या था? हाथ में कट्टा था, कुल्हाड़ी।